हेलो फ्रेंड्स वेल ये वीडियो मैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जिन्हें शायद हो सकता है ये नहीं पता हो कि आई ने अभी बहुत रिसेंटली अपने सारे मॉड्यूल्स रिवाइज कर दिए हैं डिसम्बर 20 अटेम्प्ट के लिए और स्टूडेंट से भी ज़्यादा मतलब मैं एक्चुअली ये वीडियो आई के लिए बनाना चाहता हूं ये वीडियो मैं चाहता हूं कि हमारे आईसीएसआई के प्रेसिडेंट के पास पहुंचे ये पूरी सेंट्रल काउंसिल के पास पहुंचे ये एग्जामिनेशन कमेटी के पास पहुंचे ये उस कमेटी के पास भी पहुंचे जो एक्चुअली इस मॉड्यूल ड्राफ्टिंग में या सिलेबस ड्राफ्टिंग में इन्वॉल्व है वेल आई एम वेरी शॉकड आई एम वेरी सरप्राइज अभी कुछ दिन पहले कुछ स्टूडेंट्स को ई मेल आया और ऑब्वियसली आई सी एस आई ने सेम चीज़ अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड की वी आर सेटिंग इन द मंथ ऑफ अक्टोबर डिसम्बर ट्वेंटी में अभी स्टूडेंट्स की एग्जाम्स हैं कोविड की वजह से लॉकडाउन था सिचुएशंस एनी वे सबके ही यू नो कंट्रोल के बाहर थी जून का अटैम्प्ट कैंसिल हो गया डिसम्बर में चला गया और इस बीच अभी आई सी एस आई ने एग्जेक्य सीएस प्रोफेशनल के सी एस एग्जेकटिव और सी एस प्रोफेशनल के ऑलमोस्ट सारे के सारे मॉड्यूल्स अपडेट कर दिए यहां पर ऊपर अगर आप वेबसाइट खैर देख रहे हैं यहां पर मैं ये आईसीसी की वेबसाइट है ऊपर अगर आप चेक करते हैं तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि ये नए मॉड्यूल्स हैं जो डिसंबर ट्वेंटी अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है अब मुझे एक्चुअली हंसी भी आ रही है और मेरे अंदर गुस्सा भी है मैं अब थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में बात करता हूं नॉर्मली मतलब आप आज से एक साल पहले तक भी बात करते हैं ना तो हमेशा से अमेंडमेंट्स का एक सिस्टम क्या होता था कि ऐसे आपको एक सप्लीमेंट देता था और उस सप्लीमेंट में सारे के सारे चेंजेस जो आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है वो सब हमको बता दिए जाते थे सो इट वॉज वेरी इजी फॉर अ स्टूडेंट वो सप्लीमेंट देखता था जिससे भी वो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से पढ़ रहा है किसी टीचर के नोट से पढ़ रहा है उसको पता होता था, था कि हाँ यहां हाँ, मुझे चेंजेस करना है और इट वॉज वेरी वेरी ईजी फॉर हिम सो ये बहुत कन्वीनियट बहुत कंफर्टेबल बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक और बहुत लॉजिकल मेथड था कोई भी अमेंडमेंट चेंजेस बताने का अच्छा एज पर रूल्स स्टूडेंट्स को सिक्स मंथ्स पहले तक के अटेम्प्ट मतलब अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होते हैं सो so, अगर आपका अटेम्प्ट डिसंबर ट्वेंटी में है सो जून ट्वेंटी तक के सारे के सारे अमेंडमेंट्स आपको एप्लीकेबल होते हैं अभी आईसीएस ने सप्लीमेंट कुछ ही सब्जेक्ट्स का आया जैसे फॉर एक्जाम्पल कंपनी लॉ एग्जैक्यूटिव में कंपनी लॉ का एक सप्लीमेंट आया अभी उन्होंने सप्लीमेंट को साइड में रखे लास्ट टाइम भी यही हुआ था जून ट्वेंटी में भी यही हुआ था पूरा की पूरा एक नया मॉड्यूल बना के दे दिया और ये मॉड्यूल कब आ रहा है अक्टूबर के महीने में आ रहा है कुछ मॉड्यूल्स इसके पिछले मंथ भी आए सितंबर में भी आए मतलब जैसे जैसे उनके मॉड्यूल्स अपडेट होते गए और उन्होंने नए नए मॉड्यूल्स दे दिए और दो महीने पहले दो महीने पहले मतलब वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के पास पूरा टाइम है लॉकडाउन में मतलब वो घर पे बिल्कुल खाली है पढ़ाई का बिल्कुल प्रेशर नहीं है सो so अब आप जून ट्वेंटी का मॉड्यूल उठाओ आप डिसंबर ट्वेंटी का मॉड्यूल उठाओ दोनों मॉड्यूल्स आप कंपेयर करो और ये आइडेंटिफाई करो कि कहां कहां चेंजेस हैं पहले चेंजेस आपको ढूंढना है उसके बाद चेंजेस पढ़ना है और डिसंबर ट्वेंटी में आपको एग्जाम देना है मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग मतलब इस आर ऑब्जेक्टिव बेसिकली टू टॉर्चर ऑल दी स्टूडेंट्स मतलब हम लोगों उनको सही में परेशान करना है एंड आई एम शॉक्ड मतलब इट इट इज टू माई कंप्लीट डिसमे मतलब आप शायद मेरे रिएक्शन से समझ पा रहे होंगे और मैं घबरा गया मैं लिटिल सेंस में बोल रहा हूँ मैं घबरा गया मतलब मैं कुछ सब्जेक्ट्स एग्जीक्यूटिव में एक सब्जेक्ट में प्रोफेशनल में पढ़ाता हूँ और वेन आई एक्चुअली स्टार्टेड रीडिंग द मॉड्यूल मैंने सिक्योरिटीज का मॉड्यूल पढ़ना स्टार्ट किया कंपनी लोगों का मॉड्यूल पढ़ना स्टार्ट बिकॉज जून ट्वेंटी में भी सेम चीज हुई थी थैंकफुल एग्जाम पोस्पोन हो गई पर इट टू मी अ लॉड ऑफ टाइम मैं कम से कम बीस पच्चीस दिन सिर्फ दो मॉड्यूल लेकर बैठा हुआ था जहां पर मैं कंपेयर कर रहा था कि पुराने मॉड्यूल में क्या है और नए मॉड्यूल में क्या है. यार मैं एक बेसिक बात नहीं समझ पा रहा हूं अगर आप नया मॉड्यूल बना सकते हैं तो अटलीस्ट जिसने मॉड्यूल बनाया नया उसे तो पता होगा ना कि उसने कहां चेंजेस किए आप वही चेंजेस आप उठा के सप्लीमेंट के फॉर्म में दे दो ना मतलब आपको पूरा नया मॉड्यूल देने की क्या जरूरत है और आप अपडेटेड मॉड्यूल्स रखो वेबसाइट पे विच इज अ वेरी नाइस थिंग जो होना ही चाहिए बट एटलीस्ट स्टूडेंट्स को आप इतना तो करके दो कि आपने सप्लीमेंट्स के फॉर्म में लग से दे दिया मतलब हम लोग लिटरली उनके साथ गेम खेल रहे हैं हाइड एंड सीख खेल रहे हैं हम लोग कि तुम चेंजेस ढूंढो और जो सही चेंजेस ढूंढेगा बस वो एग्जाम में पास हो हो जाएगा बाकी हम लोग फेल जाएंगे एंड द चेंजेस आर इट इज वेरी वेरी मतलब देर है एटी एटी हंड्रेड हंड्रेड पेजेस एड हुए हैं अब जैसे मैं आपको कुछ रेफरल के लिए बताऊं कंपनी लॉ नियरली एटी एडेड सिक्योरिटीज करीब नब्बे पेजेस एड हुए हैं टैक्स लॉस टैक्स लॉस का तो मतलब उसमें भी एड हुए उसके बाद आप प्रोफेशनल में आ जाए गवर्नेंस में आपका रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट अगेन फोर्टी पेजेस कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग थर्टी पेजेस ये चेंजेस है यह चेंजेस है एडवांस टैक्स लॉस योफेशनल अगेन हंड्रेड पेजेज है कैसे पॉसिबल है एक स्टूडेंट के लिए कैसे पॉसिबल आप क्या एक्सपेक्ट करें वो दो महीने पहले यह ढूंढेगा कि हमारी ओरिजिनल मॉड्यूल में क्या चेंजेस है और अभी क्या चेंजेस है और जेन्यनली इट इज इलॉजिकल इट इज एब्सोलूटली इलाजिकल आपको अगर अमेंडमेंट्स सिक्स मंथ पहले के अपडेट मतलब एप्लीकेबल होते हैं तो एटलीस्ट आप मॉड्यूल्स वही जो भी चेंजेस आपको करना है आप छह महीने पहले तो दो तो कम से कम मतलब बच्चे को तो हम लोगों को पढ़ने के लिए टाइम देना चाहिए एंड ठीक है मतलब एज अ टीचर आई कंसिडर दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूं वो एटलीस्ट उसके मैं चेंजेस बताऊंगा बट फॉर गॉड सेक अगर मैं नहीं बताता हूं या अगर मैं नहीं करता हूं वो चीज़ तो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कैसे मतलब इस पॉइंट पर मतलब अगर आई प्रेसिडेंट ये यू नो वीडियो देख रहे हैं मतलब आप सर सिर्फ ये इमेजिन कीजिएगा अगर मैं ये ऐसे चेंजेस करके आपको दे देता हूं और एग्जीक्यूटिव के बच्चे को मैं ये बोलता हूं कि ये तेरी आठ किताबें हैं नई पुराना तूने जो भी पढ़ा है वो सब ठीक है वो तो तेरे को ध्यान रखना ही रखना है उसके अलावा तुझे नई बुक से पहले ढूंढना है और फिर तुझे एग्जाम देना है मतलब सर आप समझिए हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा एज अ स्टूडेंट मतलब मैं एज ए टीचर घबरा गया हूं एज अ स्टूडेंट तो सही में मेरी हालत खराब हो जाती है मतलब पिछले दो दिन से आई हैव बिन कॉन्स्टेंटली रिसीविंग कॉल्स एंड मैसेजेस दैट सर दोनों मॉड्यूल्स अब हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं हम लोग विल बेसिकली जंप ऑन टू वन मॉड्यूल मतलब इज दिस वॉट वी आर गिविंग टू अर स्टूडेंट्स मतलब बेचारे बच्चे जेनुअनली इतनी मेहनत करते हैं uh, सब मतलब पूरी तैयारी से जोश के साथ जुड़े हुए हैं बिकॉज डिसंबर 19 के बाद जून 20 का अटेम्प्ट आपका ऑब्वियसली uh, फॉर बहुत ऑब्वियस रीजन की वजह से कैंसिल हो गया डिसम्बर 20 में एक तो उनको ये टेंशन है कि सर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं कंपटीशन डबल हो गया और उसके ऊपर हम लोग इस तरीके का प्रेशर स्टूडेंट्स को दे रहे हैं मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या है और मैं जेनवली अच्छा जिसने ये मॉड्यूल्स बनाए हैं या आई सी ऑब्वियसली आप सभी लोगों को इस चीज के बारे में पता होगा मतलब अगर ये आप मुझसे पूछें कि यहां पे मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है मेरा सिंपली एक ही पर्पज है एक ही ऑब्जेक्टिव है दैट अगर आपके पास एग्जाम से दो महीने पहले अगर आपके पास एग्जाम से दो महीने पहले नए मॉड्यूल्स देने की अथॉरिटी है सो आई थिंक आपके पास ये भी अथॉरिटी होगी कि आप इस चीज़ को वापस ले लें मतलब मैं मतलब थैंकफुली मैं काउंसिल पर नहीं हूँ और शायद मैं डिजर्व भी नहीं करता हूं पर अगर मैं होता भी ना तो मैं ये कभी भी नहीं करता मतलब मैं जेन्यनली नहीं करता और मतलब मुझे गुस्सा भी आ रहा है एंड मोर देन गुस्सा यू नो आई आई एक्चुअली फील बैड आई रियली फील बैड कि दिस इज़ वॉट वी आर गिविंग टू आर स्टूडेंट्स सो मैं जेन्यूनली आपसे हाथ जोड़ के जितने भी आई सी एस आई का बोर्ड है जो भी मेम्बर्स है जो भी कंसर्न पर्सन हैं जिन्होंने ये एक्चुअली नई नई बुक्स दी है आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज मतलब आप जल्दी से जल्दी कोई नोटिफिकेशन दें और इन सब मॉड्यूल्स को वापस लें बिकॉज बच्चे के लिए साइकोलॉजिकली इतना सब कुछ इस पॉइंट पर एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है हाँ अगर ये चेंजेस जून में आते ना जून ट्वेंटी में आते ना इट वॉज अ वेरी वेरी वेलकमिंग थॉट मतलब हर स्टूडेंट दिल से एक्सेप्ट करता कि है कि ठीक है विद द करंट चेंजेस इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग का प्रोफेशन इतना डायनेमिक है कि वी शुड भी अवेयर ऑफ ऑल द लेटेस्ट थिंग्स राइट क्या हो रहा है बट लीज नॉट टू मंथ्स बिफोर द एग्जाम्स मतलब वी आर एक्चुअली प्लेइंग विद दर करियर इज वट आई पर्सनली फील सो आप प्लीज जो भी आपके पावर्स हैं जो आपके अथॉरिटीज़ हैं मुझे ऐसा लगता है कि दिस शुड बी टेकन बैक इमीडिएटली मतलब इट शुड बी टेकन बैक इमीडिएटली एंड इट मेक्स नो सेंस अगर यही चेंजेस जून 21 के लिए होते ना इट वुड हैव बीन वेरी वेलकमिंग सर मतलब इसमें एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं थी और वो आपका अधिकार है मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और आपका राइट भी है आपको करना चाहिए वैसे कि स्टूडेंट्स को हम लोग लेटेस्ट बता रहे हैं मतलब वी फील वेरी हैप्पी अबाउट इट बट एटलीस्ट नॉट टू मंथ्स बिफोर द एग्जाम्स अभी स्टूडेंट रिविजन वाले जोन में आया है यू you नो know, हर स्टूडेंट आज अलग अलग सिचुएशन में है कोई कंटेनमेंट जोन में है अभी भी बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर क्या डिसंबर ट्वेंटी में एग्जाम्स होगी मतलब जो कंटेनमेंट जोन में है उन बच्चों को ऐसा लगता है कि सर एग्ज़ाम नहीं होनी चाहिए और जो थोड़े से सेफ जोन में उन्हें ऐसा लगता है कि सर हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो गया अब एग्जाम्स होनी चाहिए सीएम इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन एग्जाम्स डिक्लेयर कर दिए सो अब अब दूसरा सवाल बच्चों के मन में ये है कि क्या हमारी भी एग्जाम्स ऑनलाइन होगी मतलब ये सब कंफ्यूजन ऑलरेडी है दैट रिमेन्स कांस्टेंट और उसके अलावा ये नए मॉड्यूल्स मतलब व्हाट इज द पर्पस व्हाट इज द लॉजिक व्हाट इज और आप देखिए मतलब खैर आप सभी लोगों को पता है श्योर जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं आपने भी कहीं कही ना कहीं ये सारी की सारी चीजें देखी होगी बट आई जस्ट वॉन्ट टू हाईलाइट दिस लुक एट दिस मतलब ये सारे मॉड्यूल्स जून ट्वेंटी दिसंबर ट्वेंटी जून ट्वेंटी दिसंबर ट्वेंटी ये के हैं जून ट्वेंटी मतलब बच्चा कैसे ढूंढेगा और लॉजिक क्या है इसका मतलब एक सिंपल सी बात थी अगर आपने एडिशंस भी किए हैं एक सप्लीमेंट के फॉर्म में एडिशंस देने में हम लोग का क्या जा रहा था यार वो बच्चा कैसे एक एक पेज ढूंढेगा मैं सिक्योरिटीज़ के अभी नोट्स बना रहा हूँ जो ये नए एडिशन हुए हैं मैं इसके नोट्स बना रहा हूँ मेरे नोट्स के हिसाब से माई पेज नंबर हैज़ वन टू सिक्स कल जब मेरी स्टूडेंट से बात हो रही थी कुछ तो उन्होंने पूछा कि सर सिक्योरिटीज में क्या चेंजेस है मैंने बोला यार कुछ 190 एक सौ नब्बे दो सौ पेज के नोट बने देर शॉक्ट देखो लिटरल फ्रीज हो गए कि सर मतलब ऑलरेडी इतना है उसके अलावा और 190 नाइनटी पेजेस पढ़ना है और बच्चा घबराता है मतलब और उसका हक है वो अल्टीमेटली स्टूडेंट है राइट right? तो एटलीस्ट हम लोग को ये चीज समझनी चाहिए वी के नॉट अफोर्ड टू डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक मतलब दिस इज एक्चुअली This इज एक्चुअली टॉर्चर मतलब यू मे फील बैड जो भी वीडियो देख रहा है शायद जो भी आईसीसीआई के बोर्ड पर वीडियो यू मे फील बैड राइट यू मे फील दैट ये इतना ब्लंटली कैसे बोल सकता है हमारा खुद का मेंबर ओके मैं बहुत रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ सर मतलब इट इज absolutely लॉजिकल तो आप मेरी बिल्कुल आपसे हाथ जोड़ के विनती है आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस नोटिफिकेशन को वापस लें और ये जो मॉड्यूल्स का चेंज डिसंबर ट्वेंटी के लिए नहीं सेंस है सर इसका आप जून ट्वेंटी वन में बिल्कुल करें उसका लॉजिकल सेंस है मतलब चेंजेस पता होने चाहिए बट नॉट टू मंथस बिफोर दी एग्जाम सर सो मेरी बिल्कुल आपसे हाथ जोड़ के है कि जिसने भी नोटिफिकेशन बनाया और जिसके पास अथॉरिटी है और पावर्स हैं आप प्लीज इस बात को समझें और आ, हमारे आईसीसी प्रेसिडेंट मतलब उन्होंने बहुत अमेजिंग तरीके से सिचुएशन हैंडल की है हमारी काउंसिल ने ये सिचुएशन बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल की इनफैक्ट आई फील प्राउड टू बी अ मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट बिकॉज इस समय में भी इस सिचुएशन में भी हम लोगों ने सी के एग्जाम्स घर से लिए हैं बच्चों के लिए विच इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी बिग थिंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम है सिस्टम की प्रॉब्लम है उसमें हम लोगों ने यह कर दिखाया कि हम लोगों ने घर बैठे बैठे बच्चों से एग्जाम्स लिखवाई है बिग अचीवमेंट मतलब हेड्स ऑफ आई सी एस एट फॉर दैट बट एटलीस्ट नॉट दिस डेफिनेटली नॉट दिस सो बिल्कुल आप प्लीज इस चीज को कंसिडर करें और सर इसमें कोई ना ही मेरा कोई एजेंडा है ना ही कोई प्रोपोगेंडा है मतलब मैं जेन्युनली और आपको ऐसा लगता हूं मैं स्टूडेंट्स के फेवर में या स्टूडेंट्स के साइड से बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल बोल रहा हूं और आई थिंक मेरा राइट right है क्योंकि दिस इज नॉ द राइट थिंग मैं जितना इंस्टीट्यूट मतलब स्टूडेंट्स की तरफ से बोल रहा हूँ इतना मैं आईसीआई की तरफ से भी बोल रहा हूँ आई थिंक दिस शुड भी टेकन बैक दिस शुड भी टेकन बैक सो मेरी बिल्कुल सिंसियरली आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस चीज़ को समझें इसकी प्रॉब्लम समझें और एटलीस्ट बहुत टाइम नहीं लगेगा सर सिर्फ एक बार ना हिट कीजिए हम लोगों ने मॉड्यूल्स बहुत अच्छे तरीके से बना के दिए आप बस हिट कीजिए और नंबर ऑफ पेजेस देख लेना मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेशर क्या है बच्चे पे एग्जैक्यटिव में जो मैं रफली समझ पा रहा हूँ करीब करीब साढ़े पांच सौ नए पेजेस हैं जो बच्चों को पढ़ने हैं प्रोफेशनल में करीब करीब सिक्स थर्टी सिक्स फोर्टी नए पेजेस हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ने साढ़े छः सौ पेज इज सब्जेक्ट इट्स मोर देन अब्जेक्ट क्योंकि आपको ढूंढना है मुझे ये नहीं पता है कि मुझे ये पढ़ना है इट इज सर प्रैक्टिकली इंपॉसिबल आप प्लीज जेनुअनली इस प्रॉब्लम को समझें और इसका जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन लेकर आए मेरी बिल्कुल आपसे हाथ जोड़कर विनती है वी ऑल आर वेरी एजुकेटेड वेरी लर्नड पीपल एंड वी ऑल आर प्राउड यू नो टू बी ए मेंबर ऑफ आईसीएस आई लेट्स नॉट डू दिस विद द स्टूडेंट्स राइट लेट्स नॉट डू दिस विथ ऑल द फ्यूचर कंपनी सेक्टरीज ऑफ दिस कंट्री प्लीज सर प्लीज डू कंसिडर दिस रिक्वेस्ट थैंक यू सो मच अगर आपको बुरा लगा हो बिल्कुल दिल से सॉरी uh, मेरी बिल्कुल अपॉलॉजीज हैं बट अगर ये अपॉलॉजी uh, मेरी रूडनेस के लिए हो सकती है कि शायद आपको ऐसा लग रहा हो मैं बहुत रूड बहुत हार्श बोल रहा हूँ लेकिन इस चीज़ के लिए अपॉलॉजी नहीं है कि ये मॉड्यूल्स जस्टिफाइबल है इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट जस्टिफाइबल थैंक यू सो मच